ब्रिटेन में हिंदू प्रधानमंत्री बनते ही पूरे दुनिया में हिंदुओं का सीना चौड़ा हो गया। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे ये पता चलता है कि दुनिया में हिंदुओं की ताकत और पहचान क्या है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 2024 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये पता चल गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए हिंदू समुदाय के लोग कितने जरूरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं तो वो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक बनाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक में ये बताया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, चाहे वो फिर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप शायद जानते हैं कि बाइडेन सरकार के गलत फैसलों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में थोड़ी खटास आई है। बाइडेन सरकार ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए पैसा देना शुरू कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप अब इस मुद्दे पर भी बाइडेन सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप की छवि काफी अच्छी है और डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो अपने चुनावी मुद्दों में इंडियंस अमेरिकन की बार बार जिक्र करते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने एक नारा दिया था और उन्होंने ये हिंदी में नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका सबसे अच्छे दोस्त। बहरहाल ये दावा किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो इससे पुतिन को भी काफी फायदा होगा। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या विचार है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।